वाना के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में हरदौली गांव में एक युवती की अज्ञात लोगों ने गला रेतकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो यूपी के बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों ने युवती की हत्या की। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली। परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी और आपको बताएं कि डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ राकेश कुमार सिंह ने इस घटना की जानकारी दी है। परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ तहरीर भी दी। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवती की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने युवती की हत्या की और इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। आपको बताएं कि युवती की अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवती की गला रेत कर हत्या का मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने युवती की हत्या की। पता नहीं, रात में हम लोग सो गए थे और कौन आया कौन चला गया हमें पता ही नहीं चला कुछ भी। जब सुबह ससुर आवाज़ लगाए तो नहीं बोली, फिर इधर से गए तो दरवाज़ा खोल के देखा तो ये सब हुआ था। क्या हुआ था? गर्दन अलग पड़ी थी, वही देखे। मैं तो कमरे में नहीं गई, फिर बाहर वालों का आवाज़ लगाया, वो सब आए, फिर सब लोग आ गए। जब देखा तब पुलिस को फिर बुलाए। ये हरदौली गाँव में 20 वर्षीय भोला कुरील नाम की बालिका की घर में सोते समय तख्त पर ही गला रेत करके हत्या कर दी गई है। उनके पिता द्वारा बताया गया है कि खेत की तरफ बरामदे में वो सो रहे थे और दरवाज़ा इधर का खुला हुआ था। निश्चित रूप से कोई अज्ञात व्यक्ति इसी रास्ते कमरे के अंदर जा करके घटना को अंजाम दिया है। मौके पर डॉग स्क्वाड और विधि विज्ञान की टीम मौजूद है, जांच की जा रही है। शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा।